हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है जिसपे हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि इस नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अभी जो भी सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो उसमें यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आपकी लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है? फिर हम गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स उसके लिए, उसमें आपके लिए क्या कह रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये रीडिंग। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो ये आपसे मैच करेगा, रेजोनेट करेगा। ओके, और जितना आपसे मैच करे उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, नॉट पर्सनल रीडिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। और मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने स्टेप को याद कीजिए, मन में आप फोकस कीजिए, आप पॉजिटिव माइंड रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ में आपको रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपकी लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, प्लीज मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गिव मी कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। ओके, ओके, ओके फ्रेंड, देखिए कार्ड अपने आप ही स्लिप हो रहे हैं। मैं ये कार्ड्स रख लूंगी यहाँ पे, बाकी के ये नहीं रखूंगी। ओके, मुझे लग रहा है जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप में से कुछ लोग काफी सैड नजर आ रहे हैं मुझे, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं काफी ज्यादा। जी हाँ, ओके, देखिए कितने मतलब क्या ही हो रहा है आज, इतनी एनर्जी डिस्टर्ब है आपकी, आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसे ही नए एनर्जी में नजर आ रहे हैं। चलिए, वॉट ऑफ द डेक्स हमारे पास है, पेज ऑफ कप्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है और यहाँ पर है एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, आपको सभी कार्ड्स विजिबल होंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में इस टाइम आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि उनके वर्क प्लेस पे और उनके रिलेशनशिप में दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते में, अपने वर्क प्लेस पे यानी अपनी जॉब में, और अपनी पर्सनल एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है किसी के लिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ते नाते पूरी तरीके से बिखरे पड़े हैं। किसी का तो यहाँ पे मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी नज़र आ रही है, आपकी आपके पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है या फिर बहुत कम बात हो रही है। और किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपस में मतभेद बहुत हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बनी नहीं रही है आपके रिश्ते में। जी हाँ, आपका रिलेशनशिप अच्छे फेज से नहीं गुजर रहा है किसी के लिए, मैं यहाँ पे देख रही हूँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। किसी के लिए तो मैं यहाँ पे सच में क्लियर देख पा रही हूँ। अगर ऐसा है जो भी रीडिंग देख रहा है और यदि सच में ऐसा है आप लोगों के साथ में, किसी के भी साथ में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप हमें बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी रीडिंग के बारे में हमें पता चलता है और हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन, बहुत चैलेंजिंग फेज़ यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जैसे शेर के मुंह में निवाला निकालने जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे छीनना, कोई छीन कर आपसे कुछ ले जा चुका हो, जैसे आपका प्यार, आपका कुछ भी जो आपको बहुत
बहुत कीमती था आपकी लाइफ में या कीमती है, वो आपसे दूर जा रहा है या जा चुका है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस टाइम आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो सकता है, बहुत प्रिय प्रिय आपका हो सकता है जो आपसे इस टाइम बात नहीं कर रहा हो। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रांगली जो मुझे चैनल मैसेज चैनल हुआ है बता दूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे आपके रिश्ते में। बहुत बेकार फेस चल रहा है, आप बहुत डिप्रेशन में हो सकते हैं, आप बहुत परेशान हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, थक गए हैं एफर्ट्स लगा लगा के रिश्ते में, बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, मेहनत कर करके थक गए हैं। अगर रिलेशनशिप में है या मैरिज में है तो किसी टॉक्सिक रिलेशन को आप रिलेशनशिप में आप फेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आप बहुत बहुत एफर्ट्स लगा चुके हैं लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो एक जगह अड़के बैठ गए हैं। और सेम यही एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि आप भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सेम यही चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी है, वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में ये मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रांगली यहाँ पे चैनल मैसेज हो रहा है, कंफ्यूज हैं, काफ़ी सैड हैं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी परेशान हैं, पर्सनल लाइफ से भी परेशान हैं। आपके आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आप दोनों अलग हो गए, किसी किसी का तो मैं यहाँ पे ब्रेकअप भी देख पा रही हूँ, ब्रेकअप फेज भी चल रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की शादी कहीं और हो गई हो, ये भी पूरा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे पास में यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स था, जो यही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि टर्बुलेंस फेज तो चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूंगी आपके लाइफ में अभी जो भी फेज चल रहा है, जो भी फेज चल रहा है वो एंड होगा। जी हाँ, एक वो एंड होगा, एक अच्छा समय मैं आपकी ओर आता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे स्ट्रांगली। एक अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फेस कर रहे हैं तो एक एक बेहतरीन प्रपोजल, एक बेहतरीन प्रपोजल, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक बेहतरीन प्रपोजल, एक अच्छा जीवन साथी आता हुआ मैं आपके लिए देख रही हूँ, एक ड्रीमी रिलेशनशिप में यहाँ पे देख रही हूँ। और यदि आप जिस रिलेशनशिप में हैं अभी तो उसमें प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनसे आपको बाहर आता हुआ देख रही हूँ, उस रिश्ते में आपकी स्टेबिलिटी देख रही हूँ, ठीक है। सेम ये चीज़ आपके जॉब वर्क प्लेस के लिए भी बता रही हूँ, आपके वर्क प्लेस में आपकी जॉब में भी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है चैलेंजिंग, चाहे आपके रिश्ते में है चाहे आपके वर्क प्लेस में है, दोनों में स्टेबिलिटी आएगी, दोनों में ही एक न्यू ऑफर, एक न्यू बिगनिंग होगी। जी हाँ, न्यू बिगनिंग होगी। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ में एक न्यू रिश्ता बनाएंगे। आगे आने वाले फेज में आपके आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ एक प्रपोजल आ रहा है, एक बेहतरीन प्रपोजल आपकी जॉब में भी और आपके रिश्ते में भी, जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा, जो आपको एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस देगा, जिसकी जिसकी हम विश करते हैं, जो हमारे लिए ड्रीम जैसा होता है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे। जी हाँ, आप अभी जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन बहुत मुश्किल सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिसमें कहीं से भी कहीं तक सुकून नहीं है, चैन नहीं है, कुछ भी नहीं है कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन हाँ, कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे और देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन से अभी आप फेस कर रहे हैं। एक्चुअली आपके मेंटल और आपका एक्चुअली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं आपके माइंड में। हो सकता है किसी ने आपको चीटिंग की हो, बिल्कुल आपको वर्क प्लेस पे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है चीटिंग करता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई आपके मतभेद चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी सेम ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश आप कर रहे हैं, कैपेबल भी हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहा है वो बहुत इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप लोग बहुत इमोशनल हैं। जी हाँ, बहुत इमोशनल हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी ना किसी साजिश के शिकार हुआ है आपका रिलेशन, और आपके वर्क प्लेस पे भी आपके लिए चुगली करना, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये सब चलते रहते हैं, साजिशें आपके लिए चलती रहती हैं,
लोग आपके लिए षड्यंत्र करते रहते हैं ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि यूनिवर्स क्या कह रहा है हमसे, आपके लिए क्या संदेश दे रहा है यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहते हैं उनको, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कहना चाहते हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हमारे पास में। ओके, यूनिवर्स मुझे ये कह रहा है बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए डेफिनेटली आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही है अगर आप इस सिचुएशन में हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में यदि है आगे आने वाले टाइम में आपकी विश पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते से जाता हुआ मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख रही हूँ, एक फेज देख रही हूँ। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, एक अच्छा समय आपके पास में, पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक कॉन्फिडेंट पर्सन को मैं देख रही हूँ आपके अंदर। ठीक है, आने वाले टाइम में आपकी सारी विश पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। जी हाँ, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपके जॉब प्लेस पे स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आपको एक ऑफर आएगा जिसे आपको ठुकराना नहीं है, आपको उसे आपको थोड़ा रिसेप्टिव मोड में आना है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ठीक है, आपको चीज़ों को छोड़ना नहीं है, फिटिंग करना, आपको चीज़ों को लेना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। तो आपकी अगर आप ऐसा करेंगे, अभी आप खुश नहीं है, जो भी आपके पास है ना वो उससे आप खुश नहीं है, आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है उस चीज़ को लेके, आप इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ को लेके। ठीक है, आगे भी हो सकता है कि जो चीज़ आपके पास आए उसमें आप इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्विट नहीं करना है कुछ भी, आपको उसको रिसीव करना है जो भी आपको मिले। और आपकी लाइफ में देख रहे हैं आप, ये विश कार्ड है, इसे दो मिनट के लिए आप, एक मिनट के लिए आप पॉज करके वीडियो को आप इस पर मेडिटेट करके आप अपनी विश मांग सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये फेक नहीं है, ये रियल थिंग है जो भी मैं बोल रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये विश कार्ड है, जो सारी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया तो बस समझ लीजिए फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है। ओके, तो फ्यूचर इज़ कमिंग बेटर। ओके, अभी सिचुएशन जो भी है लेकिन आगे आने वाला टाइम आपको स्टेबिलिटी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा, इमोशनली सेटिस्फेक्शन देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, आप ग्रोथ देगा आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी लाइफ में, आपके लाइफ के हर एरा में, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में। अगर आप जॉब में हैं, जॉब से परेशान है काफ़ी, तो आप एक हायर डेजिग्नेशन पे आपको आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपको कोई ना कोई प्रमोशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जी हाँ, रिवॉर्ड देख रही हूँ, आप जितना प्रयास करेंगे आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मैं देख रही हूँ मिलता हुआ, आपको अपने काम का पूरा पूरा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर यदि रिश्ते में आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिलेशनशिप आपका खराब है, तो उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी, उसमें भी इमोशनली फुलफिलमेंट आएगा, प्यार आपस में बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का हैप्पीनेस आएगी आपके रिश्ते में। ठीक है, और आपका रिश्ता बहुत ग्रो करेगा। जी हाँ, और प्यार ही प्यार होगा आपके रिश्ते में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपकी विश पूरी होंगी। मैं यहाँ पर आज एंजल से भी पूछूंगी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, एंजल से भी हम देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए। प्लीज़ एंजल्स बताइए, संदेश दीजिए एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप इस सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, लाइकली ओके, ठीक है, हम एक और कार्ड देखेंगे। ओके, रिकवरी। वन मोर कार्ड प्लीज़। दो कार्ड आ गए, मैंने एक ही निकाला था बट हम दोनों रख लेंगे। फॉरगिवनेस, ओके, रिकंसिडर। ओके, देखिए आपको जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो करना है, आपको फॉरगिव कर देना है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है पास्ट में, या फिर प्रेजेंटली यदि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, जो भी आपके साथ गलत किया है किसी ने, तो आपको उस चीज़ को भूलना है, आपको उस चीज़ को फॉरगिव कर देना, लेट गो कर देना है अपनी लाइफ से पूरी तरीके से, और आपको रिकवर करना है। ठीक है, तभी आपकी आपको अपने ऊपर आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी
के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सोच सोच के आपको अपना दिमाग ख़राब नहीं करना, अपने लिए तकलीफ़ पैदा नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर भर करना है, आपको चीज़ों को जाने देना है, उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को, सबको आपको माफ़ कर देना है और ग्रेट आपको ग्रेटफुल होना है भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए। रिकवरी आपके लिए आ रही है, आप धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप एक बेस्ट पोजीशन में, एक लाइफ के बेस्ट फॉर्म में आप आ पाएंगे। ठीक है, रिकंसीडर करना है आपको। ठीक है, चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं उन पे आपको फोकस ना करते हुए आपको फिर से चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है आपको। ठीक है, आपको अच्छे के बारे में सोचना है, रिकंसीडर करना है आपको। ठीक है, आपको बेवजह की चीज़ों पे ध्यान ना लगाते हुए उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको रिकवरी करने में मदद करेंगी। अच्छे के लिए सोचना है, बेस्ट फ्यूचर के लिए सोचना है आपको। ठीक है, ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने आज बताया है। तो बेहतरीन है आगे आने वाला समय, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। यदि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ में एक फिर से एक पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग लेके। इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, यूनिवर्स का ये संदेश है आपके लिए। ओके, टाटा बाय, तब तक के लिए।